हरियाणा सरकार के 10 नई फसलों को एमएसपी पर खरीद करने की घोषणा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर एसकेएम गांव स्तर पर अभियान चलाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार का एमएसपी देने की बात करना सिर्फ चुनावी स्टंट है, किसानों को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है। बैठक में किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष के रास्ते पर उतारने के लिए कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली क्षेत्र का निजीकरण ना करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर ना लगाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बता दें, एसकेएम ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार की ओर से 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा एक चुनावी स्टंट है। ये हरियाणा के किसानों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये एमएस स्वामीनाथन समिति की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले पर आधारित नहीं है। एसकेएम ने विधानसभा चुनाव से पहले अतिरिक्त फसलों पर एमएसपी देने के हरियाणा सरकार के हालिया फैसले की भी निंदा की है। हरियाणा सरकार के 10 नई फसलों को एमएसपी पर खरीद करने की घोषणा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर एसकेएम गांव स्तर पर अभियान चलाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार का एमएसपी देने की बात करना सिर्फ चुनावी स्टंट है, किसानों को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है। बैठक में किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष के रास्ते पर उतारने के लिए कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली क्षेत्र का निजीकरण ना करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर ना लगाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बता दें, एसकेएम ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार की ओर से 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा एक चुनावी स्टंट है। ये हरियाणा के किसानों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये एमएस स्वामीनाथन समिति की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले पर आधारित नहीं है। एसकेएम ने विधानसभा चुनाव से पहले अतिरिक्त फसलों पर एमएसपी देने के हरियाणा सरकार के हालिया फैसले की भी निंदा की है। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।